Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another haul video and today I'm going to share Meesho kurti haul or you can say Meesho dress haul. But ye kurti ya dresses jo hain ye normal kurti ya dresses nahi hain. Inko specially customize kiya gaya hai feeding mothers ke liye. Is haul ke piche ki main story aapko batati hu. Actually ye dresses na meri bhabhi ne अपने लिए मंगवाई थी बट जब मैंने इनकी क्वालिटी देखी तो मैं सरप्राइज रह गई क्योंकि ये सारी की सारी ड्रेसेस अंडर 500 हैं बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो अमेजिंग है. सो मुझे लगा कि इनका हॉल जो है वो मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जिनको इस हॉल से थोड़ी बहुत हेल्प मिले. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहली ड्रेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ये मस्टर्ड येलो कलर की ड्रेस. इस पर ग्रीन कलर के फ्लोरल प्रिंट हैं, ग्रीन एंड वाइट यू कैन सी. और इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन कैम्ब्रिक है, मतलब कॉटन में भी जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है सॉफ्ट होता है वो. और इसका जो प्राइस था ना वो 450 से लेके 500 के बीच में था, आई थिंक 470 या 480 था. सबका प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, ऐसे याद करके रखना यू नो पॉसिबल नहीं होता है. और इसका जो साइज़ है वो मीडियम है. इसमें जितने भी ड्रेसेस हैं सबका साइज़ मीडियम है. ये ना एंकल लेंथ तक आएंगी. अगर आपकी हाइट जो है वो यू नो 5'4" 5'3" है तो एंकल लेंथ तक आएंगी. आपको इसके नीचे बॉटम वियर पहनना पड़ेगा. और इसका जो नेक है ना राउंड नेक है, यू कैन सी इसका जो नेक राउंड नेक है. और यहाँ पे वुडन बटन लगी हुई है. जो वुड की बटन होती है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड जो प्लास्टिक या बहुत ज़्यादा फैंसी बटन होती है ना वो बहुत ही चीप लगती है देखने में. स्पेशली जो भी ड्रेसेस होती हैं यू नो 300-400 की, उस पर मैंने देखा है प्लास्टिक की बटन होती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगती है. तो इसमें ऐसा नहीं था. एंड यहाँ पर ये जो प्लैकेट बना हुआ है इसके साइड साइड में जो वो गोटा पट्टी वाला वर्क नहीं होता, थोड़ा सा वैसा इन्होंने बना दिया है जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगती है. ये जो लेस लगाई हुई है इन्होंने ये स्लीव पर भी लगाई हुई है इस तरह से. और इसका जो ये ओपन होता है, क्योंकि कुछ ड्रेसेस मैंने देखी है, मैं फिर से बोलूँगी कि जो यू नो अंडर 500 की ड्रेसेस होती हैं तो यहाँ पर ऐसे दिखा तो देते हैं, बटन तो लगा देते हैं कि ओपन होगी, बट वो एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए लगाते हैं. रियल में वो ओपन नहीं होता है बट ये यहाँ से ओपन होगा. तो इसकी ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, मतलब इसका फैब्रिक, इसका जो स्टिचिंग वगैरह है वो भी काफ़ी फाइन है. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 400 की ड्रेस है. और इसका जो मैंने बोला जो स्पेशल पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने जिप लगाई हुई है. आपको बस ये जिप ओपन करनी है साइड में, बस आपको ये जिप ओपन करनी है. यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, यू कैन सी यहाँ से ये ओपन हो जाएगा ताकि जो भी फीडिंग मदर्स हैं ना उनके लिए इजी हो, उनको यू नो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. दोनों ही तरफ इस तरह से जिप लगाई हुई है. मैं इसका जो नेक है ना वो क्लोज़ करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने ओपन कर दिया है तो इस वजह से ये बार बार गिर रहा है. मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों ही तरफ ओपन करके. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ओपन करना है यहाँ से, एंड देन काफ़ी ईजी हो जाएगा और जस्ट आपको इस तरह से बंद करना है. अच्छा, बेस्ट पार्ट जो है इस ड्रेस का वो ये है कि ये नॉर्मल लोग भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें कंसील्ड जिप लगी हुई है. वो ऐसी जिप होती है जो कंसील्ड जिप होती है ना वो विजिबल नहीं होती है. आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जिप लगी हुई है. और एक चीज़ मैंने ये चीज़ देखी है, जो अफोर्डेबल ड्रेसेस होती है ना यू नो 400-300 की होती है उनका जो प्रिंट होता है ना वो ढंग से यू नो अलाइन नहीं होता है. लाइक अगर यहाँ पे जिप लगी हुई है बट इसका जिप लगा हुआ है फिर भी इसका जो प्रिंट है जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है, कोई भी फ्लावर कट नहीं हुआ है या इधर उधर नहीं हुआ है, राइट. एंड दूसरी ड्रेस जो है वो है पीच कलर की ड्रेस है. इस पर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं. मुझे जो बड़े प्रिंट मतलब जो बड़े फ्लावर होते हैं ना वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं. और इसमें भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इसमें जो ये वर्क है ना हल्का सा सिल्वर कलर का वर्क दिया हुआ है. जो ये गोटा पट्टी वाला वर्क है वो सिल्वर हल्का सा है क्योंकि पीच के साथ सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड इसमें ऐसे कलर भी हैं और स्लीव पे भी दिया हुआ है. इसमें एक चीज़ मैंने और देखी एक्स्ट्रा, वो है ये डोरिया. मे बी अगर किसी को थोड़ा सा यू नो लूज़ आ रही हो, ये लूज़ फिटिंग हो तो यहाँ से आप इसको टक भी कर सकते हैं, बांध भी सकते हैं, तो ये आपके पूरे यू नो फिटिंग की हो जाएगी. इसमें भी वुड बटन लगी हुई है और ये भी इस तरह से ओपन होता है. बहुत ही टाइट है ये बटन, ये इस तरह से ओपन होता है और
इसमें भी यहाँ पे जिप लगी हुई है, आप इस तरह से इसको ओपन करके यू नो ये देखो, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये भी मीडियम साइज़ ही है, इस ड्रेस का भी जो साइज़ है वो मीडियम ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है ये पिंक कलर की। अच्छा, उसका भी फैब्रिक सेम है, जितनी भी ड्रेसेस हैं सबका फैब्रिक कॉटन कैम्ब्रिक है, और ऐसा नहीं है कि प्रिंट ऊपर ऊपर हो। मैंने ये भी देखा है कि यू नो अफोर्डेबल कुर्तीज़ होती हैं उनका प्रिंट ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, इनका प्रिंट जो है वो अंदर से भी है। और इनको मैं एक बार वॉश भी कर चुकी हूँ, इनका बिल्कुल भी कलर नहीं गया है। अच्छा, इसमें ना कोई साइज़ नहीं दिया गया है, लेवल पर आप देख सकते हैं, ना ही कोई ब्रांड दी गई है, और ये आगे से यहाँ पे फ्रंट पे इस पे बटन भी नहीं है, तो ये प्लेन है। तो मुझे लगा ना कि एक थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, बट जिप जो है इसमें भी है। अच्छा, और एक चीज़, जिप जो है नीचे से ही ओपन होती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ओपन होती हो, बच्चे पुल कर लें या कुछ कर लें तो जिप ओपन हो जाए, नहीं। अगर बच्चे पुल भी करेंगे ना तो ये जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से नीचे जाएगी ही नहीं। ये चीज़ भी मतलब बहुत ही माइंडफुली इस ड्रेस को बनाया गया है। और इसकी स्लीव जो है वो प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे नेक पे इसके जो है बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया गया है। बाकी सारी की सारी ड्रेसेस ऐसे हैं, यू कैन सी, और मैं यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो भी लगा दूँगी ताकि आपको यू नो थोड़ा सा ईजी हो जाए इनको समझने में। और जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है ये ब्लू कलर की ड्रेस। इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही यू नो एलिगेंट सी ये ड्रेस है, बहुत ही इंडियन टच आ रहा है। और इसकी ब्रांड का जो नाम है ना वो है फैशन क्लाउड। अच्छा, इतनी ड्रेसेस में से ना सिर्फ इसी में जो है लेबल लगा हुआ है और ब्रांड का नाम दिया हुआ है और यू नो साइज़ भी दिया हुआ है। इस ड्रेस में भी फ्रंट से ही ये ओपन होगी, वुड बटन लगी हुई है, और यहाँ पे जो जरी का काम है, जो ये गोटा पट्टी का काम है वो सिल्वर है, और इसकी स्लीव पर भी सिल्वर है। सारी ड्रेसेस की जो लेंथ है ना वो एंकल लेंथ ही है, मतलब आपको नीचे पैंट या लेगिंग्स जो भी आप पहनते हैं आपको वो पहनना पड़ेगा, फ्लोर लेंथ नहीं है ये ड्रेसेस। और इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो ड्रेसेस है ना ये आपको सिर्फ मीशो ही नहीं, ये आपको Flipkart एंड Amazon दोनों पर ही मिल जाएगी, क्योंकि जब मैंने इसको मीशो पे देखा तो मीशो पे थोड़ा सा ना डिलीवर लेट करते हैं, तो मुझे लगा कि देखते हैं और कहीं मिल जाएगी, तो ये Flipkart एंड Amazon दोनों पे थी, बट थोड़ा सा प्राइस का इशू था, Flipkart पे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस दिखा रहा था एंड Amazon पे उससे भी ज़्यादा दिखा रहा था, तो मीशो से ही हमने ऑर्डर किया। तो आप देख लेना, अगर सेल वगैरह चल रही है तो आप किसी भी साइट से इन कुर्तीज़ को या ड्रेसेस को ले सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।